नमस्कार प्रिय मित्रों और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं आप लोगों के साथ बहुत दिन बाद एक क्लासरूम लेक्चर ला रहा हूं। ये लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, इंडस वैली के बारे में है। इस लेक्चर का फीडबैक कमेंट सेक्शन में आपसे जानने का इंतजार रहेगा। मित्रों, एक खास जानकारी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देना चाहूंगा। जैसा कि इस साल का आपका प्रीलिम्स की परीक्षा वैसे तो जून 27 को होनी है, लेकिन आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा की पोस्टपोन होने की भी संभावना है। अगर ये एग्जाम पोस्टपोन होता है तो अगले साल भी आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है। अनअकैडमी पे एक विशेष ऑफर के तहत यदि आप अभी कुछ समय में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते हो आने वाले दिनों में या आज, तो आप लोगों को एक साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर उतने समय तक का एक्सटेंशन मिलेगा जब तक यूपीएससी 2022 में होगी। मान लीजिए आप एक साल का सब्सक्रिप्शन आज लेते हैं, अभी मई है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिलेगा 2022 जब तक प्रीलिम्स होगी। मतलब अगर जुलाई में हुई तो जुलाई 2022 तक का, अगस्त में हुई तो अगस्त 2022 तक का, सितंबर में हुई तो सितंबर या अक्टूबर में हुई तो अक्टूबर 2022 तक का। ऐसे में मित्रों आप लोगों को लगभग 15 मिनट मिल जाएंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। साथ ही आप यदि अनुज यूपीएससी मेरे कोड का प्रयोग करते हो तो आप लोगों को इसके साथ साथ कई सारी किताबों की लिस्ट और कई सारी किताबों का सेट भी फ्री मिल रहा है। लगभग 20 किताबें आप लोगों को उपलब्ध होंगी। तो मित्रों अनुज यूपीएससी मेरा कोड है। किसी भी प्रकार की इंक्वायरीज के लिए, किसी भी प्रकार की आप बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार से यदि आप मदद चाहते हो, आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पर अवश्य कॉल करें जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोगों से मित्रों YouTube के साथ साथ मुझे अनअकैडमी पे भी मिलने का इंतजार रहेगा। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड अनुज यूपीएससी है। अब आप इस लेक्चर को एंजॉय करें। धन्यवाद। सो हेलो एंड वेलकम टू अनुज गर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है और आज हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, एंशंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। और आज जिस पार्ट के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, भारत के इतिहास के जिस पार्ट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हो, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यताओं में से एक, अर्बन सिविलाइजेशन में से एक हड़प्पा सभ्यता है। मैं इस टॉपिक में आप लोगों से बात करना शुरू करूं उससे पहले इतिहास विषय के ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। मैं हिस्ट्री मेंस के प्रोस्पेक्टिव से और ऑप्शनल के प्रोस्पेक्टिव से, दोनों के ही प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा, क्योंकि आजकल जो ऑप्शनल, जो मेंस में भी मुख्य परीक्षा में भी प्रश्नों का स्तर है, वो ऑप्शनल के स्तर से कम नहीं आका जा सकता। उसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज होने की आवश्यकता है, मतलब थोड़ा सा डेप्थ में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का, एस्पिरेंट्स का हिस्ट्री ऑप्शनल विषय है, उन्हें मेंस में भी दूसरे ऑप्शनल विषय वालों से एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। इतिहास विषय एक ऐसा विषय है जिसमें आपको भौगोलिक स्थलों को, ज्योग्राफिकल लोकेशंस को भी अच्छे से समझना होगा। हड़प्पा सभ्यता में तो खासकर काफी सारे ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ऐसे स्थल हैं जिनकी आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। आखिरकार हड़प्पा सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपस में जो व्यापार या जो आपस में ट्रेड हुआ करती थी वो कौन से व्यापारिक मार्ग से हुआ करती थी। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो तो कुस्तुनतुनिया जो क्षेत्र है, वो कुस्तुनतुनिया क्षेत्र कहां पे पड़ रहा है। और अगर आप बात करें आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो पानीपत के युद्ध मध्यकालीन और आधुनिक दोनों भारत में लड़े गए। तराइन के भी महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, तराइन में भी 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें से पहला और दूसरा युद्ध
हम लोग बड़े विस्तृत चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो भूगोल की आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशंस की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स में हिस्ट्री में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें एक प्रकार का कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की गई है, एक प्रकार का आपस में संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो टोटल हमारा जो भारतीय इतिहास पार्ट है उसको तीन भाग में हम देखते हैं। पहला भाग आपका एंशियंट पीरियड होता है, प्राचीन भारत होता है। दूसरा पीरियड आपका मिडाइवल पीरियड होता है, मध्यकालीन भारत होता है। और जो तीसरा पार्ट रहता है आपका वो मॉडर्न इंडिया रहता है। अब इन तीन पार्टों को हमने क्यों बांटा है, इतिहास को इन तीन कालखंडों में हमने क्यों बांटा है, इन तीन टाइम पीरियड में हमने क्यों बांटा है, उसका कारण है कि प्राचीन काल की तुलना में मध्यकालीन काल में काफी सारे परिवर्तन आए होंगे, अर्थव्यवस्था में भी आए होंगे, इकोनॉमी में भी आए होंगे, पॉलिटिक्स में भी आए थे, और समाज में और धर्म में भी परिवर्तन आए। और अगर आप आधुनिक काल की बात करो तो मध्यकालीन काल की तुलना में वहां भी बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। यदि हम मॉडर्न फेज की बात करें तो मिडाइवल की तुलना में हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लेकिन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमको पूरे एक स्टोरी की तरह हर एक पीरियड का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होकर दूसरा पीरियड आ रहा है इसको भी समझना होगा। तो देखो दोस्तों, जब प्राचीन इतिहास की आप बात करते हो तो प्राचीन इतिहास में मान लीजिए हम ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल से शुरुआत करते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड से शुरुआत करते हैं। तो ऋग्वेदिक पीरियड से डेवलपमेंट होते हुए हमको पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में दिखेंगे, फिर पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में जितने भी डेवलपमेंट हुए उसी के कारण महाजनपद काल आया, महाजनपद काल में भी मौर्य काल आया, फिर मौर्य काल के बाद सातवाहन वंश के समय हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब फ्यूडलिज्म राइज हुआ, सामंतवाद का उदय हुआ, तो भारत की राजनीतिक स्थिति में आप बहुत छोटे छोटे राज्य देखोगे तो अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण भारत में होना शुरू हुए, फिर गुलाम वंश आता है। तो इस प्रकार से इतिहास पूरी एक चेन है, इनमें आपको इवेंट्स में और पूरे टॉपिक्स में इंटरकनेक्टिविटी को फाइंड करना होगा। और यदि आप इंटरकनेक्टिविटी फाइंड कर पाओगे तो आप पेपर में बड़ा अच्छा लिख पाएंगे, जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको समझ पाएंगे। अब ये तो मैंने आपसे अभी बात की है कि जो टॉपिक्स आते हैं उनमें इंटरकनेक्टिविटी हो, लेकिन देखो दोस्तों, अगर आप लोग सोचो कि इंटरकनेक्टिविटी से मेरा मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खिलाफत आंदोलन की क्यों शुरुआत हुई, तो हमें पता है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने उनसे वादा किया था कि एक बार यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गए तो हम तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। वो तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ, खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ, तो खिलाफत आंदोलन की भारत में शुरुआत हो जाती है और खिलाफत आंदोलन बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रूप ले लेता है। ये कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो दरअसल कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ट है, तो आपको किताबों में भी मिल जाएगा। मैं जिस कनेक्शन की बात कर रहा हूं, एक एक टॉपिक के बीच में आपस के कनेक्शन के साथ साथ कैसे फेजेस में परिवर्तन आ रहा है, एक चरण से दूसरे चरण में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न चर्चा करना चाहूंगा। एक प्रश्न पूछा गया था 2014 या 15 में, यह प्रश्न आया था। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें कि मिस्र मेसोपोटामिया रोमन सभ्यता के विपरीत भारत की सभ्यता में निरंतरता के तत्वों को पाया जाता है। मतलब एक तरफ है वर्ल्ड के सिविलाइजेशन, दूसरे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन। अब मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी था, मतलब समकालीन था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोमन सभ्यता, यूनान की सभ्यता में निरंतरता के तत्व नहीं पाए जाते हैं।
कंटिन्यूटी के फैक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो, हड़प्पा सभ्यता की बात करो, तो यदि आप भारतीय सभ्यता की संस्कृति की बात करो तो उसमें निरंतरता के तत्वों को पाया जाता है। तो भाई इसमें आपको दो चीजें समझाना होंगी कि एक तो कैसे मेसोपोटामिया और रोमन सभ्यता में निरंतरता के तत्व नहीं पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ आपको यह भी बताना होगा कि भारत की सभ्यता में निरंतरता के तत्व छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ साथ आज भी कैसे पाए जाते हैं। तो यदि आप भारत की सभ्यता की बात करोगे और उसमें कंटिन्यूटी के फैक्टर्स को बताओगे तो आप बोल दोगे कि ऋग्वेदिक काल में जो मंत्रों का उच्चारण होता था, ऋग्वेद में हमें जिन 10 मंडलों के बारे में जानकारी मिलती है उसमें से एक मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है, और आज भी हम देखते हैं कि कई सारे धार्मिक अनुष्ठानों में गायत्री मंत्र के साथ साथ कई वैदिक मंत्रों का उच्चारण हम आज भी देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की निरंतरता का तत्व पाया गया। अगर मैं ऋग्वेदिक समय के देवी देवताओं की बात करूं तो आज भी उनकी पूजा अर्चना करते हुए हम भारतीय समाज में चीजों को देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं निरंतरता के तत्व पाए गए। और दूसरी तरफ यदि आप यूनान की सभ्यता की बात करो तो कुस्तून एक प्रकार से जो यूनान जो रोमन सभ्यता थी, जिसको क्लासिकल सभ्यता भी बोला गया, वो रोमन सभ्यता 5th century AD तक आते आते जो क्लासिकल रोमन सभ्यता थी वो टूट गई थी, और अब रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया था। एक था वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और इस ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बोला जाता था बेजेंटीन एम्पायर या बेजेंटीन साम्राज्य। और बेजेंटीन साम्राज्य जब आएगा मध्यकालीन यूरोपीय व्यवस्था, मिडाइवल यूरोप एज की जब शुरुआत होगी, तो इस बेजेंटीन साम्राज्य में कहीं ना कहीं चर्च व्यवस्था हावी होने लगेगी और कर्मकांड आने लगेंगे, जो पहले की रोमन क्लासिकल सभ्यता में 5वीं शताब्दी से पहले नहीं था, जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, वेस्टर्न और ईस्टर्न एम्पायर नहीं हुआ करता था, पूरा एक रोमन एम्पायर हुआ करता था। तो बेजेंटीन साम्राज्य, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में हम देखते हैं चर्च व्यवस्था बहुत हावी हुई, कर्मकांड आने शुरू हुए, और फिर बाद में 15वीं शताब्दी तक आते आते 1000 साल के गैप के बाद दोबारा से चर्च व्यवस्था का पतन होता है और दोबारा से क्लासिकल सभ्यता रेनेसा के रूप में यूरोप में आती है। लेकिन ये तो आप लोगों को क्या दर्शाना है प्रश्न में कि किस तरह से मेसोपोटामिया रोमन सभ्यता में निरंतरता के तत्व नहीं पाए गए, तो आपने ये बात कर ली। और आपने मिडाइवल हिस्ट्री के अनेकों अनेक मुस्लिम आक्रमणों की बात कर ली कि एशिया या अन्य क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए उनमें हम देखते हैं कि मुस्लिम एक अल्पसंख्यक की तरह गए और वहां पे बहुसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी की तरह गए और मेजॉरिटी की तरह हो गए। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो एक हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ, और आप लोग यदि अकबर के समय की बात करोगे तो एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी चली, तो हम बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इंडिया का कल्चर एक एसिमिलेशन का कल्चर रहा है, और हम यहां पे ये बता सकते हैं कि भाई भारत की सभ्यता में निरंतरता के तत्व क्यों पाए गए। अब देखिए, ये मैं आपको प्रश्न सॉल्व नहीं करा रहा हूं अभी, इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं हम, तब बहुत चर्चा करते हैं इसमें और डीप में जाते हैं। लेकिन यहां पे जो ये प्रश्न आया उसमें आपसे पूरा एंशंट से क्या परिवर्तन मिडाइवल में आए और किस तरह से मॉडर्न में हमको वैदिक मंत्रों का उच्चारण होते हुए दिखता है, ये पूरी बातों को आपको अंडरलाइन करते हुए लिखना पड़ेगा। तो यहां तो एग्जामिनर ने आपको जो पढ़ा है आपने उसको टेस्ट नहीं किया, यहां तो उसने आपके थॉट प्रोसेस को चेक करा है, यहां पे तो उसने आपकी विचार की क्षमता को चेक करा है कि किस प्रकार से आप किसी टॉपिक के बारे में सोचते हो। अभी तक तो हम मिडाइवल और मॉडर्न के अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स में कनेक्शन ढूंढते थे, लेकिन बड़े लेवल पर यदि बात करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको भक्ति और सूफी आंदोलन की भी बात करना होगी, और इस प्रकार के प्रश्नों में हमको प्राचीन मध्यकालीन और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक आज के युग में दिखाते हुए कंटिन्यूटी के फैक्टर्स को लिखना होगा। तो यहां पे तो रटन विद्या आके फेल हो जाती है।
केवल हम सोचे कि किसी भी टॉपिक के कारण, प्रभाव, इंपैक्ट, रिजल्ट, कॉजेस ये पढ़ लें तो काम नहीं चलेगा। इसलिए हमको कोशिश करना है कि पूरे भारत के इतिहास के विषय को, और आज जो मैं शुरू करने वाला हूं उसको, हम जोड़ के देख पाए, कनेक्टिंग द डॉट्स। और कनेक्टिंग द डॉट्स केवल इतिहास में ही नहीं, यदि आप प्रथम औद्योगिक क्रांति को, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो कम्युनिज्म की शुरुआत हुई, साम्यवाद की शुरुआत हुई, उस साम्यवादी विचारधारा को यदि आप चौथी औद्योगिक क्रांति से, ऑटोमेशन, स्वचालन से, जॉब लॉस के खतरे को जोड़ के देखोगे, तो ये आपको होगी पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट। और एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकार के तौर पर हमको इसी प्रकार की नॉलेज को डेवलप करना है। तो मेरे लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी, और आप लोग भी मेरे साथ करेंगे, कि केवल टॉपिक्स को पढ़े ना, उन टॉपिक्स को हम फील करें, उन टॉपिक्स को हम जिए। तो उसी के साथ हड़प्पा सभ्यता टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, फिर मैं बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता में मेनली आपको क्या क्या चीजें याद होना चाहिए, और फिर उनके बारे में हम देखना एक एक करके शुरू करेंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो आपका पीरियड है वो एक प्री हिस्ट्री पीरियड है। एक होता है हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिकल फेज बोल सकते हो आप इसको। प्री हिस्ट्री पीरियड आप एक ऐसे पीरियड को बोलते हो जिसमें आपके पास लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता नहीं होती है, आपके पास लिटररी वर्क की, साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता नहीं होती है, लिखित साक्ष्य, लिखित प्रमाण आपके पास नहीं होते हैं। यदि मैं हिस्ट्री की स्टडी, इतिहास के अध्ययन के विषय में बात करूं, तो इतिहास के विषय में हमें आज तो जानकारी पुस्तकों से मिलती है, लेकिन इतिहासकार जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या वैदिक सभ्यता के बारे में लिखते हैं, तो वो लिटररी सोर्सेस का मदद लेते हैं, लिखित साक्ष्यों की मदद लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद लेते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों की मदद लेते हैं। इसके साथ साथ आप मनुस्क्रिप्ट, इनकी मदद लेते हैं। इन पूरी चीजों की उपलब्धता हमको भारत के इतिहास में ऋग्वेदिक पीरियड से होती हुई तो दिखेगी। ऋग्वेदिक काल से आप लोगों के पास पढ़ने के लिए लिखित स्रोतों की बहुलता होती है। खासकर आप जब महाजनपद पीरियड में जाओगे, मौर्य काल में जाओगे, तो आपको पता है कि मौर्य काल की यदि मैं बात करूं तो चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, तो ये तो हो गए लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक काम। और यदि आप बात करो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, तो अशोक के जितने भी शिलालेख और अभिलेख रहे उनसे हमको अशोक के काल के बारे में और मौर्यों के काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप बोल सकते हैं क्वाइंस से भी जानकारी मिलती है। लेकिन यदि आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता में हमको लिखित स्रोत मिलते तो हैं, लेकिन आज तक उन लिखित स्रोतों को, उन लिटररी सोर्सेस को हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं, हम उनको डीकोड नहीं कर पाए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के समय प्रचलित लिपि होती थी उसको अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले के पीरियड में आप जाओगे तो उसमें तो आपको लिखित स्रोत मिलते ही नहीं है, उसमें आपको लिखित स्रोत मिलते ही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में आपको लिखित स्रोत मिले, लेकिन अध्ययन का मुख्य आधार लिटररी सोर्सेज नहीं है, क्योंकि अभी तक इनको हमने डिकोड नहीं किया है। अध्ययन का जो मुख्य स्रोत है वो केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ एक सीमा होती है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, पुरातात्विक साक्ष्यों से हमको उस समय की लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी मिल जाएगी,
कि अगर भाई हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली या हमें पक्की ईंटों से बड़े घर मिले तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि भाई इनका रहन सहन कैसे होता था, इनका खान पान कैसे होता था। हो सकता है अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिल जाए, हो सकता है राजनीति और धर्म के बारे में भी कुछ जानकारी मिल जाए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदय हुआ, जो राइज हुआ और यो पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बारे में हमको सीमित जानकारी मिलती है लिखित स्रोतों के अभाव पे। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से बहुत कुछ पता तो लगता है, लेकिन वो पूरी तरीके से 100% सही है इसके बारे में बोलना थोड़ा सा कठिन काम होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हो तब हमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना होगा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिक स्पष्ट बोलना, ज्यादा क्लियर बोलना इसलिए कठिन है क्योंकि यहां पे हमें लिखित स्रोतों का अभाव मिलता है और पुरातात्विक साक्ष्य ही जानकारी का आधार है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक और बात करना चाहता हूं। हम किसी भी विषय को क्यों ना पढ़ें, अभी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें टॉपिक में भी मजा आ रहा है, हम चीजों को समझ भी पा रहे हैं, लेकिन अभी जो आपको मैंने पढ़ाया उसको आप यदि अपनी आंसर राइटिंग में यूज नहीं कर पाए तो फिर इसको पढ़ना एक ज्ञान और एक जानकारी के लिए तो ठीक है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में हमें लिखना भी होगा। तो आप लोग हमेशा एक बात को याद रखें आगे आने वाले लेक्चर्स में भी, कि हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप किस तरह से आंसर राइटिंग में यूज करोगे, ये भी आप साथ साथ सोचते चलना। आपकी हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि क्लास के एंड में आप 10 से 15 ऐसे बुलेट पॉइंट्स निकाल पाओ जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर पाओ। उदाहरण के लिए मैं बात कर लेता हूं, इस थ्योरी को मैं बोलता हूं यूज द कंटेंट थ्योरी, कि जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं उसको यूज करना आप सीखें। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से यदि एक प्रश्न पूछा गया, हालांकि अभी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीकरण था, जो टाउन प्लानिंग थी, उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस स्तर तक उसकी भागीदारी है या योगदान है। तो आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया ने हड़प्पा में टाउन प्लानिंग को क्या कंट्रीब्यूट किया, यह क्वेश्चन आया। तो आप लोग उसमें निसंकोच होकर ही शुरुआत में उस क्वेश्चन में या हड़प्पा सभ्यता में हर एक क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इस तरह से स्टार्ट करते हो, लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में टाउन प्लानिंग या नगरीय नियोजन किस हद तक मेसोपोटामिया की देन था। इतिहासकारों में हमेशा से एक विवाद का इश्यू रहा है, विवाद का मुद्दा रहा है, और इसके बारे में अधिक प्रकार से स्पष्ट बोलना इसलिए कठिन है क्योंकि हमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे ही हमारे निर्भर होते हैं, ना कि हम लिटरेरी सोर्सेस पे, क्योंकि हमको यहां पर अभी तक लिपि को डिकोडिफाई नहीं कर पाए। तो यह आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या मेसोपोटामिया और क्यों विवाद इतिहासकारों में। लेकिन आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि विवाद का इशू रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, भले आप अर्थव्यवस्था की बात करो, टाउन प्लानिंग की, इकोनॉमी की बात करो, धर्म की बात करो, तो कुछ कुछ आप इतिहासकारों में विवाद देखते हो। कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता की उदय या राइज को किसी दूसरी डेफिनेशन से समझाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले, अब हड़प्पा सभ्यता का जो आपने मेजर टाइम मान लिया वो 2300 बीसी से लेके 1500 बीसी मान लिया, इसको आप बोलते हो मैच्योर फेज, इसको आप बोलते हो मैच्योर फेज मतलब परिपक्व चरण। इससे पहले का जो फेज था उसको आप बोलते हो अर्ली हड़प्पा फेज, उसको आप बोलते हो क्या, अर्ली हड़प्पा फेज। तो इससे पहले का जो प्राग ऐतिहासिक, जो प्राग हड़प्पा काल था या जो प्रारंभिक हड़प्पा काल था, तो वो प्रारंभिक हड़प्पा काल जो था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन हुआ या जो टाउन प्लानिंग आई वो हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण के ही जो स्थल थे वो ही डेवलप होके बाद में टाउन बने। तो भाई अर्ली हड़प्पा फेस
2300 से पहले का था, हम मान सकते हैं कि भाई 3800 से जैसे कि 2500 तक का फेज अली हड़प्पा फेज है, तो इस फेज में जो गांव हुआ करते थे वही आगे जाके डेवलप होके मैच्योर फेज में टाउन बन गए। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से एक लंबी एक बड़ी मात्रा में जनसंख्या का विस्थापन हुआ और वो जो पॉपुलेशन थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भारत की तरफ आई और इंडस वैली सिविलाइजेशन का बना। तो इसके बारे में अलग अलग प्रचलित मत हैं। हम शुरुआत कैसे करेंगे कि इतिहासकारों में एक विवाद का इशू है, विवाद का मुद्दा है, परंतु इसके बारे में अधिक स्पष्ट बोलना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि हमें जानकारी का मुख्य आधार पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को बनाते हैं, हमारे पास लिखित स्रोतों का अभाव है या तो उनको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। उसके बाद आप शुरू कर दो उसके प्रति में जो विभिन्न धारणाएं हैं, आपने बात कर ली दोनों ही धारणाओं की और फिर आपने लास्ट में लिख दिया कंक्लूजन। दिस इज हाउ यू शुड यूज द कंटेंट, इस प्रकार से आपको सोचना होगा। अब ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ना ही दो ही दिन का काम है, ये कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। तो एक प्रक्रिया है, हम लेक्चर्स में धीरे धीरे सीखते रहेंगे कि किस प्रकार से चीजें हुई। तो पहला पॉइंट तो आप लिख लो, पहला पॉइंट आप लिखें हड़प्पा सभ्यता में जानकारी का मुख्य आधार पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। द मेन बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन is archaeological evidences. Although we get a few literary sources, हालांकि हमें कुछ साहित्यिक स्रोत, देखो एक और चीज बता दूं यहां पे, इसको साहित्यिक स्रोत थोड़ा बोलना गलत होगा, साहित्यिक स्रोत इसको बोलना इसलिए गलत होगा कि जैसे मान लो हमें कोई सिक्के पे कुछ लिखा हुआ मिला है, तो उस कॉइन में हमको जो लिखा हुआ मिला है उस लिपि को अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं। तो साहित्यिक स्रोत की कमी है और जितने भी हमें अन्य ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि लिपि को दर्शाती हैं, उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, ये आपको लिखना है। ओके, साहित्यिक स्रोत की कमी है, लिटररी, वी डू नॉट गेट इनफ लिटररी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत की कमी है, वी डू नॉट गेट इनफ लिटररी सोर्सेस, एंड और अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, एंड दे आर नॉट येट कोडिफाइड डिकोडिफाइड टिल येट एंड दे आर नॉट येट डिकोडिफाइड टिल येट तो हड़प्पा सभ्यता में आप ये वाली पॉइंट तो याद ही रखना। अब इसको मैं आपको सिखाता रहूंगा कि किस तरह से इसको आपको पॉइंट को यूज करना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं, हमारा पूरा बेसिक ओरिएंटेशन तो हो गया हड़प्पा पीरियड के बारे में। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि क्या शुरुआत के मतलब अगले 20 मिनट में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप वो नोट कर लो, उन पूरे प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढने की कोशिश करना। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें थ्योरीज ऑफ ओरिजिन और इसी के साथ साथ टाउन प्लानिंग के बारे में अगले कुछ मिनटों तक मैं चर्चा करूंगा। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन,
इसमें तीन प्रकार की हमको थ्योरीज देखने को मिलती है। एक बोलती है मेसोपोटामियन ओरिजिन है इसके, एक बोलती है लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस, और एक बोलता है आर्य इन्वेजन। और इसमें से जो सबसे ज्यादा दो प्रचलित हैं वो ये हैं, प्राचीन में जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी वो ये हैं, और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये विचारधारा है। तो देखो, आप लोगों को इसी प्रकार से आंसर राइटिंग करना होगी। अब पहले मैं आप लोगों को समझा दूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसके बारे में बताऊंगा और उस प्रश्न का उत्तर देने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन रिलेटेड टू हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामियन ओरिजिन और टाउन प्लानिंग, ये दोनों आपको साथ साथ देखना होगा। अब टाउन प्लानिंग में भी एक क्वेश्चन आता है, इसको आप ऐसे का ऐसा नोट कर ले, टू वॉट एक्सटेंट डिड द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस प्रश्न को भी आप नोट करो कि किस स्तर तक, हिंदी में लिखें, किस स्तर तक मेसोपोटामिया की सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता में नगरी नियोजन को योगदान दिया, या किस स्तर तक उसका योगदान था, किस स्तर तक मेसोपोटामिया की सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता में नगरी नियोजन में योगदान था, नगरीय नियोजन में योगदान था। अब बड़े ध्यान से आप लोग समझना, फिर मैं आपको नोट भी करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, फिर हम समझेंगे कि क्या इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप चाहें तो नोट भी कर लो आप। जॉन मार्शल एनजी मजूमदार, नीचे आप एक पॉइंट डाल लो तीसरा और लिखना शुरू करें आप, पहले लिखवा ही देता हूं फिर समझा दूंगा। जॉन मार्शल और एनसी मजूमदार, एनजी मजूमदार, इन्होंने बोला है लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस, लंबी क्रमिक प्रक्रिया। अगला पॉइंट लिखें, मार्टिमर व्हीलर और क्रीमर ने इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जोड़ने की कोशिश की है। और कुछ इतिहासकार जो हैं, तीसरी कैटेगरी के बड़े इंपोर्टेंट इतिहासकार हैं, वो इसको डायरेक्ट मेसोपोटामिया से नहीं जोड़ के देखते हैं। अदर हिस्टोरियंस डू नॉट रिलेट the origin of Harappa with Mesopotamia but believe that Mesopotamian ट्रेड रिजल्टेड इन टाउन प्लानिंग इन हड़प्पा।
तो कुछ इतिहासकार इसको प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता की ओरिजिन को प्रत्यक्ष रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ के नहीं देखते हैं, पर ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया में जो व्यापार था उसी के कारण हड़प्पा में टाउन प्लानिंग आई। अभी तो आप नोट कर लो, केवल इतना आप नोट कर लो, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं और फिर ऑटोमेटिकली आपको पूरी चीजें आ जाएंगी। इसके लिए आप ना घबराएं, एक एक बात जो आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है वो आपको अभी समझ में आ जाएगी। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या कंटेंट हमको पढ़ने की कोशिश करना है और किस तरह से प्रश्न आपके बनेंगे। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले समझाता हूं कि क्या ये पूरे पॉइंट्स का मतलब है, उसके बाद ये जो मैंने आपसे प्रश्न करा इसी का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूं कि किसी भी प्रश्न के उत्तर की शुरुआत इसी तरह से होगी कि हमारे पास लिखित स्रोतों का अभाव है, लिटरेरी सोर्सेज की कमी है, जितना भी पता लगता है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, पुरातात्विक साक्ष्यों से पता लगता है। कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं, मार्टिमर व्हीलर और क्रीमर जैसे, कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से लोग चलना शुरू हुए और दूर दरार के क्षेत्रों में जब उन्होंने बसने की प्रक्रिया प्रोसेस को शुरुआत करा तो इसी का रिजल्ट था हड़प्पा सभ्यता। मतलब मेसोपोटामिया से लोग आए और मेसोपोटामिया से लोग यहां पे बसे और हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक लंबी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम था और एक लंबी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम इसलिए था कि हम मैच्योर फेज में हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन्स देखते हैं परिपक्व चरण में 2300 बीसी से 1500 बीसी तक जितने भी टाउन्स देखते हैं वे सभी लगभग उन्हीं स्थलों पे डेवलप हुए हैं जहां पे प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल अर्ली हड़प्पाई साइट्स हुआ करती थी। अब आपको यदि ये अच्छे से समझना है तो आपकी स्क्रीन पे जो आप लोगों को मैप दिख रहे हैं उनको आप देखो और थोड़ा समझो, मैं आपको बताता चल रहा हूं। आप लोग जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें कि आपको मैप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे होंगे। सिसवाल, इंडस नदी के पास जो कोटजी है, आपको दामसतार दिख रहा होगा और आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अब ये मैप हमने एनसीईआरटी से लिखा है और इसकी हेडिंग आप देख सकते हो, एरियाज ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, कि प्रारंभिक हड़प्पा स्थल जो हुआ करते थे। तो आप लोगों ने देखा कि इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र से में ये बसे हैं। इसके बाद जो पीरियड आया वो आया कौन सा, मैच्योर हड़प्पा पीरियड। और मैच्योर हड़प्पा पीरियड में भी आपको जो कुछ स्थल दिख रहे हैं, जो कुछ साइट्स दिख रही हैं, वो पहले भी हुआ करती थी अर्ली हड़प्पन फेज में। आप कोटदीजी की बात करो तो ये एक ऐसी साइट है जो मैच्योर में भी रही, अर्ली में भी रही। अब इतिहासकारों ने इसी को बताने की कोशिश की है कि हड़प्पा सभ्यता और जो हड़प्पा सभ्यता में टाउन प्लानिंग थी वो एक लंबी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम था और जो पहले अर्ली हड़प्पन साइट्स थी वही बाद में विकसित किस रूप में हो गई, मैच्योर हड़प्पा साइट्स में। हालांकि मैंने बोला कुछ हड़प्पा साइट्स, पूरी नहीं। अब आप यदि एग्जाम में उन कुछ हड़प्पा साइट्स को बता भी देंगे तो और सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। तो कुछ इंपोर्टेंट साइट्स हम लिख भी लेंगे जो कि अर्ली हड़प्पा फेज में भी देखने को मिलती हो, फिर बाद में वो मैच्योर हड़प्पा फेज में जो पहले गांव हुआ करते थे बाद में टाउन बन गए। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से लोग आके बसे, ये पहले बहुत प्रचलित थी और अब ये बहुत प्रचलित है, लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते कि ठीक है भाई, हमने ये तो मान लिया कि मेसोपोटामिया से लोग हड़प्पा सभ्यता में आके नहीं बसे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है वो तो मेसोपोटामिया से आई है। तो देखो दोस्तों,
बात वही है, हमारे पास लिखित स्रोतों का अभाव है, लिटरेरी सोर्सेज की कमी है, हमें जितनी भी जानकारी मिलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती है, और दरअसल इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को रिलेट करके पढ़ने में इतनी ज्यादा रुचि इसलिए दिखाई है क्योंकि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध थे, दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे। तो ये आप हमेशा याद रखना, हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे, आप लोग देख सकते हो कि जो दूसरे हिस्टोरियन से दे डू नॉट ट्राई टू डायरेक्टली रिलेट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा विद मेसोपोटामिया बट बिलीव्ड दैट मेसोपोटामियन ट्रेड रिजल्टेड इन द टाउन प्लानिंग इन हड़प्पा। ये नहीं बोलते थे कि मेसोपोटामिया से लोग आके हड़प्पा सभ्यता में बसे। ठीक है, आप लोग मान रहे हो क्रमबिलम एक प्रक्रिया, आप मान लो, लेकिन भले ही लोग आके नहीं बसे, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में टाउन प्लानिंग आई वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही आई क्योंकि दोनों के बीच के व्यापारिक संबंध थे। तो कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि इतिहासकारों ने लिखित साक्ष्यों के अभाव में, लिटरेरी सोर्सेज की कमी में, कहीं ना कहीं हड़प्पा की टाउन प्लानिंग को मेसोपोटामियन ट्रेड से रिलेट करके बताया है। दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अब एक प्रश्न आता है कि क्या यह बात सही है या यह बात गलत है? क्या भारत और मेसोपोटामिया के बीच ट्रेड हुआ करती थी? तो आप लोग, मैं चाहूंगा कि आगे मैं बढ़ूं इसकी गहराई में, उससे पहले आप लोग स्क्रीन पे आपके एक मैप देख ही पा रहे हो, और उस मैप को यदि आप ध्यान से देखोगे तो उसमें हमको जानकारी मिलती है कि ब्लू कलर से हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन मिल रहा है और ग्रीन कलर से हमको मेसोपोटामिया की सभ्यता मिल रही है, और उनके बीच में आप लोग जो स्पेस देख रहे हो, पानी के क्षेत्र, उसको बोला जाता है पर्शियन गुल्फ, फारस की खाड़ी। तो भारत और मेसोपोटामिया में जो ट्रेड व्यापार हुआ करता था वो फारस की खाड़ी से हुआ करता था, पर्शियन गुल्फ से हुआ करता था। अब देखो दोस्तों, भारत ने जो रिसोर्सेस की बहुलता रही, संसाधनों की जो एविडेंस रहा, उसने हमेशा ही विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित किया। आप जैसे यूरोप की बात करो तो हम ये ना सोचें कभी भी, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तब तो मैं आपको बताऊंगा ही कि 1498 में वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज करी, 1498 में भारत में वास्को डी गामा की जब खोज करी, तभी यूरोप और भारत के बीच का व्यापार होना शुरू हुआ। अरे भाई, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। पश्चिम और भारत के बीच में व्यापार केवल 1498 में भारत की वास्को डी गामा द्वारा खोज की गई उसका ही नतीजा नहीं था, बल्कि हजारों सालों से भी भारत के साथ वेस्ट की ट्रेड होती चली आ रही थी। बस फर्क इस चीज में आया था कि पहले वो हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया के क्षेत्र से, जहां पे अरबियों का जब वहां पे एक प्रकार से स्वामित्व हो गया, या अरब ने उस क्षेत्र को जब जीत लिया, तुर्कों ने जब जीत लिया तो तुर्कों ने यूरोपियन लोगों को उस रास्ते से ट्रेड नहीं करने दी, और जब ट्रेड उस रास्ते से 1453 के बाद, कुस्तुनतुनिया के कॉलेप्स के बाद, जब वहां पे तुर्कों का कब्जा हो गया, ट्रेड बंद कर दी गई यूरोप के लिए इंडिया की, तब यूरोप ने इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे ट्रेड रूट्स को खोज लिया, उसी को इंडिया की डिस्कवरी बोला गया। तो भारत और यूरोप के बीच में तो ट्रेड बहुत पहले से होती थी, और रोमन एम्पायर की बात कर लो आप, चोलास के समय की बात करो, चोल राजाओं के समय की बात करो, तो चोल राजाओं ने तो अपनी एक बहुत बड़ी नौसेना बना ली थी। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि जिस तरह से भारत से बाद में कीमती वस्तुएं बाहर ब्रिटेन की तरफ जाके धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लगी थी, भारत की प्रोडक्ट्स की कीमती धातुओं की डिमांड इतनी थी कि रोमन सभ्यता, बेजेंटीन साम्राज्य के समय जो ट्रेड हुआ करती थी, चोलाज जो करते थे, तो भारत में उल्टा पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी रोमन साम्राज्य की। वहां पे भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, अब डिमांड यदि थी तो उन मार्केट में यदि भारतीय प्रोडक्ट गए तो उनको वापस भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, इसी प्रकार से व्यापार होता है। तो वापस क्या देते थे? गोल्ड और सिल्वर। तो एक प्रकार से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। अब देखो, इसको आप ड्रेन ऑफ वेल्थ में एक
मतलब पॉइंट की तरह समझा रहा हूं, क्योंकि लगभग हम सभी ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब समझते हैं। लेकिन अब एक बच्चे ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि सर अगर, जब मैंने प्रीवियस क्लासेस ली थी अपनी, कि सर अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ बेजेंटीन साम्राज्य से चोलास के रीजन में हुआ करती थी तो इसका मतलब है कि रोमन साम्राज्य तो बेजेंटीन साम्राज्य तो चोलास की एक कॉलोनी था, उपनिवेश था, क्योंकि भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई ब्रिटेन की तरफ, तो ब्रिटेन भी एक कॉलोनी था, सॉरी भारत भी एक कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो उस प्रकार से तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि रोमन साम्राज्य भी भारत की कॉलोनी था। देखो दोस्तों, दो देशों के बीच में व्यापार होना या धन का एक तरफ प्रवाह होना, इसको आप तब तक कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवादीकरण नहीं बोल सकते तब तक एक देश ने आर्थिक के साथ साथ उस देश के राजनीतिक और प्रशासनिक और सामाजिक और धार्मिक पे बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाला हो, या व्यवस्था शोषण एक्सप्लोइटेशन पे आधारित ना हो। मतलब क्या है? अरे भाई, भारत की ट्रेड चलती थी रोमन से, लेकिन क्या वहां पे हमने प्रशासन संभाला? जैसे कि लॉर्ड डलहौजी यहां पे आए, लॉर्ड कार्नवालिस यहां पे आए, वहां पे क्या हमने रोमन्स का एक्सप्लोइटेशन किया? तो वो शोषण पे आधारित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसको कॉलोनी बोलना गलत होगा। तो भारत और यूरोप के बीच भी ट्रेड थी, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन में पर्शियन गुल्फ के माध्यम से ट्रेड हुआ करती थी, तो इसी पर्शियन गुल्फ के माध्यम से व्यापार होती थी। इतिहासकारों ने तीसरी कैटेगरी के ने क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग आई वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे। अब इसकी हमको करना होगी स्क्रूटनी कि क्या यह बात सही है, क्या यह बात गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, और एक विश्लेषण पर पहुंचना होगा। तो दोनों के बीच में व्यापारिक संबंधों को तो नकारा नहीं जा सकता, और दोनों सभ्यताओं के बीच में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि चबूतरा वहां भी देखने को मिलता है, यहां भी आप लोगों को कुछ मोहरे वहां भी देखने को मिलती है और कुछ हड़प्पा सभ्यता में भी, हालांकि उन मोहरों में एक उचित अंतर भी पाया जाता है, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, लेकिन आधुनिक शोध, जैसे आप दिलीप कुमार चक्रवर्ती की बात करो, तो दिलीप कुमार चक्रवर्ती 1970 के बाद 1970 के बाद जितने भी उत्खनन हुए उनको आधार बनाते हुए बोलते हैं कि यदि आप लोग बोल रहे हो कि इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे इसीलिए टाउन प्लानिंग मेसोपोटामिया से हड़प्पा में आई, तो आप लोग जरा ये बात को भी तो ध्यान रखो कि भारत और मेसोपोटामिया के बीच के जो व्यापारिक संबंध थे उनके बीच में डायरेक्ट प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध नहीं थे, बल्कि भारत या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पर्शियन गुल्फ फारस की खाड़ी के लोगों के साथ व्यापार करते थे, और फारस की खाड़ी फिर मेसोपोटामिया, तो डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात से भी आप आइडिया लगा पाओगे कि भारत, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में आपको रिसोर्सेस की बहुलता मिल रही है, तो यदि हमको रिसोर्सेस की बहुलता भारतीय उपमहाद्वीप में मिल रही है और मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमको कंपैरेटिवली रिसोर्सेस कम दिख रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसे देश में जिसमें रिसोर्सेस खुद में ज्यादा हैं, तो उस देश में इंटरनल ट्रेड ज्यादा रही होगी, उस देश में इंटरनल ट्रेड ज्यादा रही होगी, आंतरिक व्यापार बाहरी व्यापार से, एक्सटर्नल ट्रेड से ज्यादा रही होगी। समझ में आ रहा है आपको? अरे भारत में रिसोर्सेस की हमको बहुलता देखने को मिल रही है, तो इंटरनल ट्रेड ज्यादा रही होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ संसाधन की जरूरत होती है, वही ट्रेड की उत्पत्ति देती है, तो इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड से ज्यादा रही होगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का बहुत बड़ा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलेगा टाउन प्लानिंग पे। और तीसरी चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर मेसोपोटामिया में आप टाउन प्लानिंग की बात करोगे, मेसोपोटामिया में आप टाउन प्लानिंग की बात, नगरी नियोजन की बात करोगे, तो नगरी नियोजन में मेसोपोटामिया की सभ्यता में
पब्लिक बिल्डिंग्स में, पब्लिक बिल्डिंग्स का मतलब हो गया स्नानागार हो गए, अन्नागार हो गए, या पब्लिक बिल्डिंग है मतलब कॉमन पब्लिक बिल्डिंग है, एक तो इंडिविजुअल प्राइवेट हाउस हो गया जहां पे लोग निवास करते हैं, और एक हो गई पब्लिक बिल्डिंग जिसी को किसी ना किसी शासन तंत्र ने बनाया है, किसी ना किसी व्यवस्था ने बनाया होगा, शासन व्यवस्था रही होगी। तो टाउन प्लानिंग में मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमको पब्लिक बिल्डिंग्स दिखती हैं पक्की ईंटों से बनी, और जो लोग जहां पे घरों में रहते थे वो कच्ची ईंटों के घर थे। भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि टाउन प्लानिंग के अंतर्गत पब्लिक बिल्डिंग्स पे पैसा कम खर्च किया गया और ज्यादा पक्की ईंटों से मकान हमको लोगों के निजी निवास के दिखे। लोगों के निजी निवास के मकान पक्की ईंटों से बने होते थे, जबकि यहां पे जो लग्जरी हुआ करती थी वो लग्जरी पब्लिक बिल्डिंग्स में हुआ करती थी, ना कि प्राइवेट हाउस पे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां का ज्यादा रहा होगा अच्छा, क्योंकि इनके पक्की ईंटों के मकान थे। तो इस आधार पर भी दोनों में अंतर पैदा कर सकते हैं हम कि टाउन प्लानिंग में अंतर भी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आपको संभावित प्रश्नों की जो विभिन्न डेवलप्ड आइडियोलॉजी से उनकी स्क्रूटनी करते हुए एक कंक्लूजन पूर्ण आंसर को लिखना पड़ेगा। तो कंक्लूजन पूर्ण हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश क्लासेस चलती है ना हमारी, बाइलिंगुअल द्विभाषी है, दोनों भाषाओं में एक साथ। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखेंगे उसको मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं, अभी तक जो पढ़ाया है उसके माध्यम से। तो शुरुआत आप किस तरह से करेंगे, हड़प्पा सभ्यता में नगरी नियोजन की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उसका डेवलप होना, टाउन प्लानिंग का डेवलप होना। इतिहासकारों में शुरुआत से एक डिस्कशन, एक विवाद का इश्यू रहा है। इसका कारण यह है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें लिखित स्रोतों का अभाव, लिटरेरी सोर्सेस की कमी, और जितने भी स्टडी का आधार है वो केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। कुछ पक्ष के इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग नगरी नियोजन है मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे, करते हैं, क्योंकि दोनों ही सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध थे। लेकिन गौर करने वाली यह भी बात है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध तो थे लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं थे, बल्कि वो फारस की खाड़ी के माध्यम से हुआ करते थे। यदि हम आधुनिक शोध को पढ़ते हैं, जो नई रिसर्च आई उसको पढ़ते हैं, तो डीके चक्रवर्ती जैसे इतिहासकार बोलते हुए लिखते हैं कि भारत उपमहाद्वीप में रिसोर्सेस को हमको ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि हमें मेसोपोटामिया में कम। तो इंटरनल ट्रेड ज्यादा रही होगी एक्सटर्नल ट्रेड से, इसलिए ट्रेड का भारत की टाउन प्लानिंग पे कम प्रभाव रहा होगा, और फिर आप टाउन प्लानिंग का कंपैरिजन लिख दो। अगर आप इतना बता दोगे प्रश्न के उत्तर में लिखते हुए, तो अगर 150-200 मतलब जो समय जो आपको मिलता है, मतलब जो वर्ड्स लिमिट रहती है आपकी, तो उस हिसाब से आपने कहीं आप कहीं ना कहीं इतने कंटेंट को भी उसमें लिख के उस प्रश्न के उत्तर के साथ जस्टिस कर लेंगे, न्याय कर लेंगे। तो ये पूरा आप नोट करते चलिए। अब मैं अगली बात पे आता हूं अपनी, टाउन प्लानिंग मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में बात करते हैं कि टाउन प्लानिंग किस तरह की थी। हेडिंग डाल दीजिए, टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरी नियोजन। तो अभी हमने एक वो पक्की ईंटों वाला एग्जाम्पल तो दिख ही लिया, और भी बात करेंगे टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरी नियोजन। अब मैं चाहता हूं कि आप एक डायग्राम के साथ इसको देखें जो कि आपकी स्क्रीन पे है। तो इस इमेज में हमको दिख रहा है कि
एक साइड की दीवार जो घर की है वो कहीं ना कहीं एक जल निकासी व्यवस्था, जैसे कि आपको एक नाली दिख रही होगी, तो घर का एक द्वार सड़क की ओर खुलता है और बीच में जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है ये पानी को भरने का स्रोत है, और साथ ही आपको इसके साथ यहां पे ईंटों का निर्माण से भवनों का निर्माण होते हुए दिख रहा है और एक फिर प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पे लोग रहा करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय में पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके टाउन प्लानिंग हुआ करती थी, और उसके ठीक विपरीत मेसोपोटामिया की सभ्यता में पक्की ईंटों का यूज कहां पे हुआ करता था, पब्लिक बिल्डिंग्स पे, और सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने भवन निर्माण पे ज्यादा अत्यधिक खर्च ना करते हुए पब्लिक बिल्डिंग्स पे जो स्वयं के उनके निजी भवन होते थे वो पक्की ईंटों से बनते हुए हमको दिख रहे हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय क्रांति थी या पहला नगरीय चरण था अगर आप भारतीय इतिहास की बात करो। इसके बाद जो द्वितीयक नगरीय क्रांति आई, जो दूसरी नगरीय क्रांति आई, उसको आप बोलते हो महाजनपद काल के रूप में, क्योंकि महाजनपद काल में जाके कृषि का बड़ा विस्तार हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, और एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के साथ साथ मुद्राओं का भी प्रचलन, मॉनेटरी भी, मतलब जो मुद्राएं होती थी उनका भी प्रचलन जब बढ़ा, अर्थव्यवस्था का आधार बढ़ा, किंग की इनकम के स्रोत बढ़े, तो फिर हम देखते हैं कि द्वितीय नगरीकरण भी आता है, तो उसको हम महाजनपद पीरियड में देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे ऋग्वेदिक और पोस्ट ऋग्वेदिक में क्या हुआ, फिर महाजनपद पे जाएंगे। लेकिन जो पहली नगरीय क्रांति थी वो हमको हड़प्पा सभ्यता में भारतीय इतिहास में देखने को मिलती है। अब टाउन प्लानिंग से रिलेटेड कोई प्रश्न आया तो उसको किस तरह से डील करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहां पे आपको जो ईंटें दिखती है वो 4:2:1 के रेशियो में दिखती है। हमें कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि जो घरों का निर्माण हुआ करता था वो ग्रिड पैटर्न में हुआ करता था और 90 डिग्री पे रोड काटते हुए घरों को जाया करती थी, और जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था वो जो जल निकासी व्यवस्था थी वो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी बड़ा प्लान्ड हुआ करता था, नियोजित हुआ करता था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में इसको एक नगरीकरण की संज्ञा, अर्बनाइजेशन की फेज की चरण की संज्ञा दी गई है। अब देखो इस बारे में तो बोलना थोड़ी सी कठिन बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पैटर्न में घर रहे थे और उनमें एक प्रकार की एक रूपता पाई जाती है। अगर आप, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री के टॉपिक के साथ साथ एक बड़ा रिसर्च का विषय भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले प्रचलित क्या अवधारणा थी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का कंट्रीब्यूशन बताया जाता था, डी के चक्रवर्ती जैसे इतिहासकार ने 1970s के बाद बोला कि भाई इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड से ज्यादा थी, और वर्तमान में भी इसमें शोध हो रहा है। तो आपसे यदि कोई भी प्रश्न आए तो आपको दोनों ही सोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, और प्रश्न की नीड के हिसाब से आप उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में अपना आंसर लिख देना। जैसे कि आपसे यदि टाउन प्लानिंग के बारे में पूछा जाए तो आप वहां पे लिख देना कि यदि हम बात करें तो पहले के इतिहासकार या पहले के जो शोध थे वो हड़प्पा सभ्यता में एक रूपता को दर्शाते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता में सिमिलैरिटी को दर्शाते हैं, और ये बोलते हैं कि सभी घर ग्रिड पैटर्न या रोड जो थी वो 90 डिग्री के कोणों में काटती थी। लेकिन ये बोलना थोड़ा सा कठिन भी होगा क्योंकि अलग अलग जगह जो स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के उनमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आना एक स्वाभाविक बात है, उनमें भौगोलिक विविधता आना एक स्वाभाविक बात है। तो आज भी हम इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी देखते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हर कहीं ही हमको एक रूपता देखने को मिली होगी, हमें डाइवर्सिटी भी देखने को मिली होगी। हालांकि हमको विविधता देखने को मिलती है लेकिन उसके बावजूद भी
हम इस बात को नहीं नकार सकते या इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भले स्थलों में एकरूपता और ग्रिड पैटर्न को थोड़ा समर्थन करना मुश्किल है, लेकिन इस बात को समर्थन करना कतई मुश्किल नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे उनमें टाउन प्लानिंग थी और मापन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। तो ये बैलेंस्ड आंसर होता है। इस तरह से आपको बैलेंस्ड कंक्लूजन पे पहुंचना होगा कि आपने बता दी कि भाई पुराना शोध क्या कह रहा है और आपने बता दी कि इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि हो सकता है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के चलते एकरूपता देखने को ना मिले, तो ये तो हमारे लिए बोलना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल बोल सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। हम इस बात को भी बोल सकते हैं कि टाउन प्लानिंग में वाकई में नियोजन भी था, वाकई में प्लानिंग भी थी। और हम इस चीज को भी नहीं नकार सकते कि एक सुनियोजित व्यवस्था थी और उसी के साथ साथ नगर जो थे वो बड़े भव्य थे। इस कंक्लूजन पे इस तरह से हम पहुंचेंगे। दिस इज हाउ यू शुड फाइंड द बैलेंस बिटवीन आंसर्स। तो अब आप लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए पहले नोट ही कर लेते हैं, फिर लिखेंगे। नोट करें आप। Although it is difficult to say that मैं भी लिखता चलता हूं आप लोगों के साथ। Towns of Harappan civilization, followed a similar exact grid and town planning, pattern। हिंदी में लिखो। हालांकि ये कहना कठिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में, आप यहां पे ऑल भी लिख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में हालांकि यह कहना कठिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में एक प्रकार की एक जैसी ग्रिड प्रणाली और शहरी नियोजन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया होगा सिंस क्योंकि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्योंकि शहरी नियोजन क्योंकि शहरी नियोजन संबंधित क्षेत्रों की भौगोलिक विविधता पर भी आधारित होता है।
की भौगोलिक विविधता पे भी आधारित होता है, है ना। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी या ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस क्षेत्र की टाउन प्लानिंग में, है ना। तो हमने बोला कि ये कहना तो कठिन है कि एग्जैक्ट ग्रिड पैटर्न और वो क्या होगा, कि उसका कारण भी हमने बता दिया। अब आप किस तरह से आगे का अपना आंसर लिखते चले जाओगे, आगे क्या लिख दोगे आप, लेकिन हम इस बात को नहीं नकार सकते कि ये एक उत्कृष्ट, ये एक हाईली एक्सीलेंट क्वालिटी के टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम का नतीजा था, जिसमें लोगों के, सामान्य लोगों के घरों भी पक्की ईंटों से बनते थे। दिस इज हाउ यू विल कंटिन्यू द आंसर्स। तो आंसर, तो मैं चाहता हूं आप अपनी ही भाषा में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना सीखो। मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं, आगे का जो मैंने आपको पार्ट बताया है उसी प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज में लिखें उसको। ओके, पूरा समझा ही चुका हूं तो अब तो लिखने में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें आप लोग और मैंने आपको बताया था कि पहले के जो हड़प्पा स्थल थे वो बाद में जाके जो पहले गांव थे वो बाद में बैचलर फेज में किस रूप में बदल जाते हैं टाउन्स में। तो वही मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, उनको लिखें। चलिए उसके भी पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखो। मैं एक एक करके क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपके सामने स्लाइड पे लाया हूं, इनको आप एक एक करके नोट भी करते चलना और हम एक बार इनकी रीडिंग लगा लेते हैं ताकि हमको अधिक स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला चार्ट आपको दिख रहा है, प्री हिस्ट्री नाम का टॉपिक है। द पीरियड ऑफ आर एंशंट पास्ट विच हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इज नोन एज प्रीहिस्ट्री। तो हमारा प्राचीन समय का एक ऐसा पार्ट जिसमें हमारे पास लिखित स्रोतों की कमी होती है उसको हम बोलते हैं प्रीहिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर द ओनली हिस्टोरिकल सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। इस काल के बारे में, इतिहास के बारे में जब हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा जो जानकारी मिलती है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब बिल्डिंग्स हो गया, अशोक के अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, रॉक एडिक्ट्स वगैरह, उनसे हमको जानकारी मिलती है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं लेकिन इस तरह से हम पॉइंट्स बुलेट्स में पढ़ेंगे तो हमारे को और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों से ओवरव्यू की बात करी है सिंधु घाटी सभ्यता के। द इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 टू 1300 बीसी आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडर्न डे नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो वो अगर आप मैप को दोबारा देखोगे, मैं आपके सामने स्क्रीन पे उस मैप को दोबारा ले आता हूं, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की खाड़ी वाला जो मैंने आपको मैप बनाया था, आप इसका विस्तार देख सकते हो। अब यहां पे देखो, उन्होंने बात की है 1300 से 3300, हम 3300 से पहले जाके भी बात कर सकते हैं, उससे भी पहले जाके अगर आप बात करोगे कुछ मेहरगढ़ जैसे क्षेत्रों के, तो 7000 BC में भी उसकी पता लगती है।
हमारा मुख्य फोकस स्रोत क्या रहता है? मैच्योर हड़प्पन फेस, जो परिपक्व हड़प्पा काल है, उसके पहले 2300 से पहले के कार्य को, 2300 या 2500 से पहले के पार्ट को आप अर्ली हड़प्पा फेज बोल सकते हो, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण बोल सकते हो, और उससे भी 3800 से पहले की काल को मेयर वाला काल है वो आप मतलब अंडर डेवलप्ड हड़प्पा फेज बोल सकते हो उसको। आप लोग देख सकते हो द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑफन सेपरेटेड इंटू थ्री फेज, तीन पार्ट है, अर्ली हड़प्पा फेज 3300 टू 2600, मैच्योर हड़प्पा फेज 2600 टू 1900 BC, और लेट हड़प्पा बोला जाता है 1900 से 1300 BC। अब इसमें आप अगली स्लाइड पे आओगे, इंपॉर्टेंट इनोवेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन इंक्लूड स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर सील कार्विंग एंड मेटलर्जी विद कॉपर। तो ये सारे पॉइंट हमको आंसर राइटिंग में काम आएंगे, और इसमें कुछ अधिक समझाने वाली बात नहीं है, जो मैं बात आपसे करते हो रहा हूं वही यहां पर बात की गई है कि अगर हम बात करें इस समय के कुछ इंपोर्टेंट इनोवेशंस की, तो लोगों ने मापर प्रणाली 4:2:1 रेशियो की, ईट की बात कर लो आप, मापर प्रणाली की बात कर लो, तो विकसित थी। लिटिल इज अंडरस्टूड अबाउट द इंडस स्क्रिप्ट, एज ए रिजल्ट लिटिल इज नोन अबाउट द इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इसकी स्क्रिप्ट को अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, डिकोडिफाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसके बारे में अधिक स्पष्ट बोलना थोड़ा सा कठिन है, शासन का प्रकार किस प्रकार से था उसके बारे में भी। द सिविलाइजेशन लाइकली एंडेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन, तो जलवायु परिवर्तन के कारण इसका एक कारण माना जाता है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ट्रेड एकदम से बंद हो गई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ बोलते हैं जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज आ गया था, कुछ बोलते हैं कि जितने भी स्थल थे क्योंकि एग्रीकल्चर करते थे, अब एग्रीकल्चर क्यों करते थे, क्योंकि हमको सिंधु घाटी सभ्यता से काफी सारे अन्नागार के वो मिले हैं, अन्नागार के हमें उधार, अन्नागार अगर हमें मिले हैं, अन्नागार मतलब अनाज को भरने के बड़े बड़े भंडार करने के जो क्षेत्र होते हैं, मतलब एक बिल्डिंग, उसको आपने अन्नागार बोल दिया, और आप लोग स्नानागार भी मिलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जहां पे एक साथ नहाते हैं उसको स्नानागार, तो लोग बाव की सोशल लाइफ भी थी और एग्रीकल्चर भी था, और अन्नागार से हमको उदाहरण मिलता है कि लोग तब ही किसी भी चीज को भंडार उसका करेंगे जब उनके पास वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में हो, तो जो इकोनॉमी रही होगी वो सब्सिस्टेंस रही होगी, सॉरी इकोनॉमी सरप्लस रही होगी ना कि सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है इतना जीवन जीने योग्य, और जीवन जीने योग्य से ज्यादा को आप बोलते हो सरप्लस। 100 लोग मिलकर 100 लोगों का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं सरप्लस सब्सिस्टेंस है, 10 लोग मिलकर 100 लोगों का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं इसको आप बोलोगे सरप्लस इकोनॉमी। तो इससे हमको पता लग रहा है, क्लियर है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें किस बारे में जानकारी मिलती है, अब देखो, अब कुछ इतिहासकार इसके कॉलेप्स का अगर मेसोपोटामिया को कारण बता रहे हैं तो आप बता दोगे कि भाई इंटरनल ट्रेड ही एक्सटर्नल ट्रेड से ज्यादा थी, तो वही इसमें भी काम आ जाएगा। मेजर साइट्स आप लोग देखोगे मोहनजोदड़ो 250 हेक्टर, हड़प्पा सबसे पहले कौन सी खोजी गई, हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइज सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, राखीगढ़ी, कालीबंगा और धोलावड़ी, धोलावीरा। आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूं, देखो मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अगर आप उससे खासकर स्पेसिफिकली सिंधु घाटी सभ्यता के हो, आपको कौन सा बुक रिसोर्स फॉलो करना है, तो आप फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी को, क्लास 12th की यदि आपका ऑप्शनल है, मेंस भी है आपका, ऑप्शनल के लिए तो 100% अनिवार्य है, तो आप लोगों को क्लास 12th की एनसीईआरटी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, डाउनलोड भी कर सकते हो आप उसको इंटरनेट से, और अगर आप उसमें पहला चैप्टर देखोगे, पहला दूसरा चैप्टर, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखेगा, उसमें आपको कुछ मैप दिखेंगे, जो मैप मैंने आपको दिखाए थे उन मैप को आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, होमवर्क है, और उन साइट्स पे जो हमको प्रमुख जानकारी मिलती है वो, और कौन सी साइट में क्या मिला, और उसके साथ साथ कौन से बंदरगाह थे इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो एनसीईआरटी क्लास 12th आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो हमको किस बारे में जानकारी मिलती है, तो ये पूरे स्थल हो गए। अब आप आओ नेचर कैरेक्टर, मतलब प्रकृति और चरित्र। तो सबसे पहला तो मैंने इसमें पॉइंट आप लोगों को लिख रखा है, आउटकम ऑफ लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस, लंबी क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम।
आप लोगों को समझा चुका हूं कि कुछ इतिहासकार मेसोपोटामिया की सभ्यता से बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि टाउन प्लानिंग आई है, पूरी सभ्यता नहीं आई है, और कुछ बोलते हैं कि पहले की अर्ली हड़प्पा फेज के बाद में मैच्योर फेज में टाउन्स बन गए। नेचर कैरेक्टर में अगला पॉइंट क्या है? अर्बन सिविलाइजेशन। अगला पॉइंट क्या है? ट्रेड, कॉमर्स और क्राफ्ट, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ ये भी चीज थी। अरे भाई, कोई भी अर्थव्यवस्था यदि सरप्लस होगी तो 10 लोग यदि 100 लोगों का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो बचे हुए 90 लोग भी तो अपने को दूसरे कामों में लगाएंगे। तो अर्थव्यवस्था में शिल्प या हैंडीक्राफ्ट भी चला करते थे। पीस लविंग सिविलाइजेशन, नॉट ए वॉर लाइक सिविलाइजेशन। तो यहां पे हमको वॉर लाइक सिचुएशन या राजाओं के बीच में साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध रहा होगा, इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि पीस लविंग सिविलाइजेशन था। लिटरेट भी थे लोग वो, क्योंकि हमको सील और स्क्रिप्ट मिलती है, हालांकि हम अभी तक इतने लिटरेट नहीं हुए कि हम उनको डिकोडिफाई कर लें। सोशो कल्चरल लाइफ वाज वेल डेवलप्ड। तो अन्नागार और स्नानागार से हमको पता लग रहा है कि सोशो कल्चरल लाइफ भी इन लोगों की रही होगी। सेकुलर आउटलुक, एक होता है रिलीजियस आउटलुक, एक होता है सेक्युलर आउटलुक, तो ज्यादा उचित इनके बारे में होगा धर्म निरपेक्ष आउटलुक था। हालांकि कुछ धार्मिक गतिविधियों में ये लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन धार्मिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के कर्मकांड या रिजिडिटी देखने को नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार की कठोरता हमको देखने को नहीं मिलती है। अगला पॉइंट आप देखो, मटेरियलिस्टिक आउटलुक वाज आल्सो प्रेजेंट, भौतिकवादी आउटलुक भी था। अगला देखो, प्रोटो हिस्टोरिक, मतलब हमको लिखित साक्ष्यों की कमी मिलती है। रिवरीन सिविलाइजेशन का मतलब होता है, रिवरीन सिविलाइजेशन का मतलब ऐसा सिविलाइजेशन जो रिवर के आसपास हो, तो रिवरीन सिविलाइजेशन था ये, अधिकतर स्थल आपको वहीं देखेंगे। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज भी थी और मल्टी एथनिक ये था। अब यदि आप अगर आप बात करोगे इकोनॉमी की, तो ये पूरे बुलेट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को पूरे पढ़ा चुका हूं, कुछ नए पॉइंट्स भी हैं तो आप लोगों को याद रखने। अर्थव्यवस्था की बात करो तो कृषि भी थी, एनिमल रियरिंग पशुपालन भी था, और उसी के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स भी थी। अभी इसका कारण बताया 90-100 वाला, आप लोगों को 90 लोग और कुछ भी करेंगे, ये पूरी बात भी थी। और आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात देख सकते हो, एट इट पीक द इंडस वैली सिविलाइजेशन में हेड ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 5 मिलियन पीपल, द इंडस सिटीज आर नोटेड फॉर देयर अर्बन प्लानिंग। तो ये पूरा भी आप पढ़ सकते हो। अब ये जो पूरी स्लाइड्स आपको दिख रही हैं, जो ऑनलाइन इसको बच्चे देख रहे हैं वो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो ऑफलाइन है वो भी इनको नोट साथ साथ करते चले। अगर आप पतन के कारणों की बात करोगे तो आर्यन इन्वेजन बोला जाता है, और अलग अलग लोग अलग अलग कारण बताते हैं इसके पतन के। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका जो पीरियड है वो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल वैदिक सभ्यता के बारे में आएगा। या तो मैं इन दोनों ही पार्ट को अलग अलग कंडक्ट करूंगा, या एक ही पार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम, उसके बाद फिर हम महाजनपद काल, सातवाहन वंश, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल इसमें आएंगे, और फिर आपका मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए मैं समझा देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में मेजरली आप एक तो ये चीज याद रखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में टाउन प्लानिंग किस तरह से थी। तो टाउन प्लानिंग में हमको बताया आपको कि हालांकि इसके बारे में ये बोलना कठिन है कि एक रूपता देखने को मिली, क्योंकि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हैज अ बिगर रोल टू प्ले, बट वी कैन गो इनटू ए कंक्लूजन दैट, कि हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि भले ही हमको ज्योग्राफिकल विविधता देखने को मिली हुई, लेकिन टाउन प्लानिंग का उत्कृष्ट शहरी नियोजन का इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध था पर्शियन गुल्फ के माध्यम से, लेकिन वो व्यापारिक संबंध एक डायरेक्ट व्यापारिक संबंध नहीं था, इसलिए बोला जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टाउन प्लानिंग का एक लिमिटेड कंट्रीब्यूशन रहा होगा मेसोपोटामियन सभ्यता का। साथ साथ हमें कुछ चीजें यदि मिलती है तो उनमें बड़ा अंतर भी है, जैसे कि आप टाउन प्लानिंग में यदि मेसोपोटामिया की बात करोगे और इंडिया में बात करोगे, पक्की ईंट कच्ची ईंट के बीच का आपने मैंने अंतर बताया, और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि सिंधु घाटी उत्पत्ति के बारे में क्या क्या पॉइंट सही है। और इसके साथ साथ हमने काफी सारी बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह से वेस्ट और ईस्ट के बीच में व्यापार जो था वो 1498 के वास्को डी गामा से पहले भी होता हुआ आ रहा था, वो भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से निरंतरता के तत्व पाए गए
कंटिन्यूटी के फैक्टर छिपाए गए। अब आपका काम यह है कि आप जो मैं आपको दो तीन डेमो प्रश्न बताए हैं वो प्रश्न जो हैं आप उनको नोट भी कर लें, दोबारा से उन प्रश्नों को नोट करें आप और उन प्रश्नों के बारे में लिख के प्रैक्टिस करें। जो बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमें अपनी मेल आईडी पे इन आंसर्स को भेजें और फिर हम इनका रिव्यू देंगे आप लोगों को। दो प्रश्न लिखें, ये प्रश्न आपको लिखने, टू व्हाट एक्सटेंट, प्रश्न है ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कॉन्ट्रीब्यूटेड टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी नियोजन या नगरी नियोजन का सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगरी नियोजन का किस हद तक श्रेय मेसोपोटामियाई सभ्यता को जाता है, परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में लिख लेना एग्जाम में, किस हद तक श्रेय मेसोपोटामियन सभ्यता को जाता है, परीक्षण कीजिए। सेकंड, एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में नगरी नियोजन के ऊपर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में शहरी नियोजन के ऊपर चर्चा कीजिए। थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्रिटिकली डिस्कस ऑन द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ, क्रिटिकली डिस्कस ऑन वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्रिटिकली डिस्कस ऑन वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के उदय के विषय में प्रचलित विभिन्न थ्योरियों या विभिन्न मतों के ऊपर चर्चा कीजिए, विभिन्न मतों के ऊपर चर्चा कीजिए। तो आप वो जितने भी मैंने राइटर्स के नाम लिखा है, अब आप ये प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, आप इस लेक्चर के खत्म होने के बाद, आपका काम खत्म नहीं होता है, आप आधे घंटे अच्छे से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे, फिर आप किताब पढ़ेंगे जो भी मैंने आपको बुक बताई है, उसके बाद आप तुरंत इन आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। इस प्रकार के शेड्यूल से आपको चलना है। आंसर राइटिंग आप जब तक नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपने जो समझा है, असली चैलेंज तो उसको उत्तर पुस्तिका में उतारने का ही है, और इस चैलेंज को आप जितनी जल्दी ले लेंगे उतना ही आपको ज्यादा सरलता आगे के लिए रहेगी। तो अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की ओर से। धन्यवाद।